तो लगातार हमारे साथ में ई चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गीता चैरिटेबल की फाउंडर गीता पांडे, स्वागत है आपका। शायद फर्क नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से, दोबारा से प्रयास करेंगे। से बातचीत रही ई चर्चा में लगातार। देखिए सुबह से ही हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि जुड़े हमारे साथ में, कई समाज सेवी जुड़े हमारे साथ में, कई डॉक्टर्स थे जिनके साथ हमने ई चर्चा की। देखिए ये है वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पर अब हम एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब कैसे। दरअसल आज इंटरनेट की इस दुनिया में इंटरनेट से सब कुछ मुमकिन है। टेक्नोलॉजी में आज हम इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि आज मील दूर होकर भी हम आमने सामने होते हैं, और उसी का ही फायदा कैसे उठाया जाए ये हमें सिखाया है कोरोना काल ने। अब प्रधानमंत्री मोदी भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे मुलाकात होती है। तो देखिए यही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आज सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी हुआ करती थी तो आपने देखा होगा कि लोग जाया करते थे, अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंटरनेट के जरिए पहुंचती है। इसके अलावा देखिए आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों की बात होती है तो सब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, बस एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं होते हैं। ये सब भी आजकल मुनासिब हो पा रहा है। तो देश दुनिया कोरोना काल में कैसी है, इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। गीता चैरिटेबल की फाउंडर गीता पांडे जुड़ गई हमारे साथ में। अब गीता जी, उम्मीद है इस बार आवाज़ पहुँच रही होगी आप तक। गीता जी, ये पूरा जो कोरोना काल रहा, आपने इस पूरे कोरोना काल में क्या कुछ किया? वैसे तो अब भी बरकरार है लेकिन उससे ज्यादा कोरोना काल माना जा रहा है जब लॉकडाउन में सब लोग घरों में बंद थे और कामकाज किसी के पास कुछ था नहीं, घरों में रहना था और इंतजार करना था कि दुनिया कब सामान्य होगी। तो आपका कैसा रहा वो वक्त और आपने क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उस दौरान में, उस संकट की घड़ियों में? सब आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैंने कोरोना के दौरान भी बहुत कुछ अपने गोंडा में पता चला मुझे, वहां पर कई दैनिक मजदूर ऐसे फंसे हुए हैं तो उनको हमने यहाँ से प्रोवाइड कराया, बहुत सारे पैकेट से दो तीन बार बंटवाए वहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा उन लोग को देख के वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में थे और फंसे हुए थे तो अच्छा लगा। और मैंने दिल्ली में भी किया, अपने DLF में भी किया, सब जगह मतलब मैं जहाँ जहाँ कर पाई वहाँ वहाँ मैंने बंटवाया। अच्छा, बहुत से लोगों के फिर आपके पास फोन कॉल्स आते होंगे, इससे पहले भी जाहिर सी बात है आप समाज सेवा करती रही होंगी और अपनी इस जो आपने ट्रस्ट शुरू की है उसके तहत भी आपने बहुत से लोगों की मदद की होगी, लेकिन इस कोरोना टाइम में बहुत अलग तरह की मदद लोगों अपील कर रहे थे। जैसे कुछ लोगों को चाहिए था कि उनके घर उनको कैसे कोई पहुंचा दे, जैसे किसी को चाहिए था कि अभी खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है, कोई किसी तरीके से खाना पहुँचा दे। तो आपके पास जब भी कुछ इस तरह के फोन कॉल्स पहुँचे होंगे? हाँ, बहुत कॉल्स आया। हमारे यहाँ पर एक राठी भाई साहब हैं, काउंसलर हैं, उनका भी आया था कि हमारे ऑफिस में मैं बहुत दे चुका हूँ गीता जी, तो कुछ आप करिए हमारे यहाँ DLF गुड़गांव में। तो मैंने उनको बोला कि आप भेज दीजिए बंदे को, तो मैंने उनके गाड़ी में बहुत सारे सामान भिजवाए। और दिल्ली से कॉल आया तो दिल्ली से भी मैंने बहुत सारे यहाँ से पैसे दे के, और वहाँ से जो हमारे बंदे थे उनको बोला कि बांट दो जिसको जिसको दे जिनको जरूरत है। तो मतलब ऐसे कई फोन आए और मैं करती रही। अच्छा, ये इससे पहले वैसे आप क्या करती हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं।
मैं तो वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही मैं कोई दान पुण्य करना और लोगों का जो असहाय लोग जो ऐसे हैं उनको बांटने का, उनको कुछ देने का कि मतलब इनका कोई भी किसी को जरूरत पड़ता था कोई बोलता था तो मैं करती थी। आगे चल के मेरी शादी हुई तो मैं जब दिल्ली आई तो मैं बहुत कुछ लोगों को करने लगी। जब मेरे पास भगवान ने पैसे दिए तो मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करना शुरू किया। और अभी मैं एक गीता चैरिटेबल फाउंडेशन खोला है तो उसके तहत मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। और आगे मुझे गोंडा में भी गीता चैरिटेबल फाउंडेशन एक बहुत बड़ा बनाना है जिसमें काफी औरतों को मुझे रोटी रोजी देना है उसमें। और गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत मैं लोगों का बहुत मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो गोंडा से आपका ये जुड़ाव है, इसकी कोई खास वजह, आप वहीं से बिलोंग करती हैं? हाँ, मैं दरअसल गोंडा में ही पैदा हुई हूँ। गोंडा जो है वहां पर गोंडा कचहरी, वहीं की मैं गोंडा में ही पैदा हुई हूँ। ये मेरा मैका है, ससुराल भी है, तो मतलब मुझे गोंडा से बहुत लगाव है। और लखनऊ में भी हमारे हैं बहुत सारे रिश्तेदार, लेकिन मैं यहाँ रह के वहाँ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि गोंडा में मैं कुछ ऐसे अच्छे लोगों के लिए करूँ जो जिनको जरूरत है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी लोग समाज सेवा में आते हैं या जो भी इस तरह से लोगों की मदद करते हैं, आमतौर पर उनकी ये भी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि राजनीति में भी उनको मौका मिले जनसेवा करने का, तो उस विषय पर भी विचार कर रही हैं क्या आप? राजनीति में अभी हमारे गोंडा में बहुत लोग मुझे बोलते हैं और यहाँ डीएलएफ में भी हमें कई हमारी फ्रेंड हैं जो बोलती हैं, लेकिन ऐसा हमारा कुछ अभी मत नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ। अगर भगवान ने किया, मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छा दिया तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लोगों के लिए एक अच्छा मिसाल बनूं और अच्छा करूं। जैसे मैं समाज सेवा करती हूँ वैसे मैं पॉलिटिक्स में भी अगर आई तो मैं अच्छा ही करूंगी। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सही मानती हैं? कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जिससे को आपकी मैच करती हो मेंटालिटी, या फिर आपका जो भाव है वो कहीं मैच करता हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से? हाँ, बीजेपी मैं हमारे हस्बैंड भी और मैं भी बीजेपी को बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं मोदी जी को बहुत मानती हूँ, योगी जी को, तो मैं मतलब उन्हीं के नक्शे कदम पे कुछ अगर बनी तो करना चाहूंगी। अच्छा, ऐसा क्या प्रभावित करता है आपको मोदी जी और योगी जी की? ऐसी कौन से गुण हैं जो आपको प्रभावित करते हैं जिस कारण से आप उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं? मोदी जी आप भी देखती हैं कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो आए हैं तब से सोचिए कि कितना हमारे देश की तरक्की हुई है, कितना अच्छा हुआ है। लोग उनको बुरा भी बोलते हैं लेकिन बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो एक भगवान के रूप में आए हैं, योगी जी भी एक भगवान के रूप में आए हैं और वो हमारे देश का बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं और एकता और ये सारा कुछ वो लाना चाहते हैं। तो सब लोग उनका साथ दें, मेरा यही सोच है कि सभी लोग देश में, सबसे मेरी गुजारिश है कि सब लोग उनका साथ दें और हमारा एक देश जो है, हमारा देश है वो महान बने। अच्छा, फाउंडेशन के तहत आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए कुछ अवसर रोजगार के पैदा करना चाहती हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि किस तरह से आप हाँ, उनके रोजगार के अवसर मेरा पैदा कराएंगी, कैसे मुहैया कराएंगी उनको हाँ रोजगार के अवसर? मेरा जो जो मैं गोंडा में अपना बनाना चाहती हूँ, वहां पर ये है कि जैसे जैसे गांव गांव की औरतें हैं वो बहुत उनको बहुत उनके अंदर गुण होता है और उनको प्लेटफॉर्म एक अच्छा नहीं मिल पाता है और वो घर में ऐसे छुपी रहती हैं, वो बाहर निकलने का उनको मौका नहीं मिलता है। तो मेरे संस्था में क्या है कि जैसे औरतों को मैं सिलाई कढ़ाई, लड़कियों को, गरीब लोग को, जो जिनको जरूरत है, जो नहीं पैसा खर्च कर सकती हैं, उनको मैं यहाँ पर भी डीएलएफ में भी अपने संस्था में सिखाती हूँ। तो उनको ये था कि एक मशीन दूंगी और उनको एक सर्टिफिकेट गीता चैरिटेबल फाउंडेशन का दूंगी और फिर वो आगे चल के अपना रोजी रोटी अपने घर में बैठ के कहीं पे भी वो कमा सकती हैं। और मैं जो वहाँ प्लेटफॉर्म अपना बनाना चाहती हूँ, जो वहाँ गोंडा में, वो बहुत बड़ा बनाऊंगी जिसमें मैं आधा तो रखूंगी मैं सिलाई कढ़ाई सिखाऊं, आधा मैं रखूंगी कि जो औरतें घर में बैठी हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनके अंदर बहुत गुण ढंग है, वो आके हमारे यहाँ ऐसे काम करें और उनको मैं तनख्वाह भी दूंगी और मतलब जो चाहेंगी सीखना उनको मैं सिखाऊंगी भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल बातचीत के लिए।
देखिए ऐसे सकारात्मक प्रयास समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे प्रयासों से कई दफा किसी की जिंदगी सवर जाती है। चलिए इसी के साथ ई चर्चा क्योंकि लगातार बरकरार रही, फिलहाल यहाँ पर ले रहे बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।